देश के सामने कुछ तथ्यों को रखना जरूरी है। लगभग 23.5 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा में आवेदन दिया था और बैठे थे। 23.5 लाख स्टूडेंट्स took part in the NEET examination of 2024. ये examination 571 cities में 4,750 centers पे हुआ था। This examination was conducted in about 571 cities at 4,750 centers. खुद सरकार की ओर से सीबीआई इंक्वायरी दे दी गई थी। सीबीआई की ओर से आरंभिक अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि हजारीबाग और पटना और एकाध जगह और मिलाकर करके 155 कैंडिडेट के बारे में शिकायत आई है और 155 उम्मीदवारों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। और जो इन सभी 155 कैंडिडेट्स के मार्क्स की तुलना की गई तो सिर्फ एक को 570 मार्क्स आया था, जो रिस्पेक्टेबल मार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने 22, 23 और 24 के एग्जामिनेशन के सारे रिजल्ट्स को एग्जामिन भी किया और ये पाया कि कोई इसमें एनोमली एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं पाई गई। जो पहले के रिजल्ट होते थे उसी के अनुसार ये भी रिजल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा परीक्षा कराने की, क्योंकि इसके कारण बहुत केओस होगा, बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनका भविष्य अंधकार में जाएगा, जो एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के बच्चे हैं उनको परेशानी होगी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे परीक्षा को कैंसिल नहीं करेंगे और उन्होंने सरकार की बात को मान लिया और कहा कि आप काउंसलिंग करिए। आई रिपीट, द सुप्रीम कोर्ट फाउंड no material irregularity to order the cancellation of the entire examination. 23.5 lakh students were there, nearly 571 cities and 4,750 centers. तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना। अब हम कुछ बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं, इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी किसने ऑर्डर की? भारत सरकार ने की। ईमानदारी से जांच हो रही है, किसके प्रयास से हो रही है? भारत सरकार के प्रयास से हो रही है और सीबीआई ईमानदारी से जांच कर रही है। लोग पकड़े जा रहे हैं, 155 उम्मीदवार जिनके बारे में शिकायत आई उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई है और उनको दोबारा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो इतनी ईमानदारी से जब काम हुआ है तो राहुल गांधी ये क्या चिल्ला रहे थे, जो बार बार फ्रॉड और क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे? तो क्या भारत के परीक्षा की सैंक्टिटी को आप भारत ही नहीं दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती है। कांग्रेस के रिजिम में कितनी बार पेपर लीक हुआ, कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? अखिलेश यादव के समय में कितनी बड़ी संख्या में पेपर लीक यूपी में हुआ था, अब तो यूपी में गैंगस्टर एक्ट भी लगाने की बात हो रही है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार के ही प्रयास से पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा कानून बना या नहीं बना है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे
in the wake of the conclusive finding of the Supreme Court, there is no material irregularity warranting a cancellation of the examination. This confined to only two centers in Patna and one outside. Patna means Hazaribagh and Patna. Will you apologize? राहुल गांधी देश के बच्चों को और भारत की साख को क्यों बदनाम करते हैं? बार बार होमवर्क करते नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करते नहीं, किसी ने चिट दे दिया और लगते हैं भारत की छवि को खराब करने। ये ठीक नहीं है। पार्टी की ओर से हम बहुत भर्त्सना करते हैं विपक्ष के रवैये की और विशेष रूप से राहुल गांधी के रवैये की, कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले एक डेढ़ महीने में देश में परीक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया। वो राजनीति करें लेकिन देश को कमजोर न करें। और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देकर राहुल गांधी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर नहीं भारत की छवि खराब की, बल्कि भारत की परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास बनाने का काम किया, जो बहुत ही गलत है। मैं बहुत इनकी भर्त्सना करता हूं और ये बहुत संतोष की बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है और काउंसलिंग शुरू होगी और बच्चों का भविष्य ठीक होगा।